तो हम आपको आज बता रहे हैं होम थिएटर की वायरिंग कैसे करें, संपूर्ण वायरिंग। ये यहाँ से वायरिंग पूरे टूट चुकी हैं, ये अब आपको कैसे करना है पीछे से आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये तो ट्रांसफार्मर वायरिंग आपको दी की रही हैं, लगी हुई हैं। ये अंदर वाले स्पीकर की वायरिंग है जो बास करता है, ये और ये वाला। और दोस्तों आगे वॉल्यूम लगे होते हैं बास वाले और आवाज़ वाले, जिनकी वायरिंग के ये छः वायर होते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये काला वाला तार है अर्थ ग्राउंड यानी अर्थ का, ये वाला तार काला वाला तार इसमें यहाँ पे लगा दें। और यहाँ की लाइन यहाँ पे आई हुई है, लाइन पे जाके भी आप लगा सकते हैं इधर या इधर भी लगा सकते हैं। फिर दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं ये लाल वाला वायर। दोस्तों ये है लाल वाला वायर, लाल वाला वायर इसमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगेगा। ये वॉल्यूम नीचे वाला वॉल्यूम होता है, ये बास का वॉल्यूम तीन पोल का होता है और आवाज़ वाले के यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। दोस्तों इसमें ये दो एकदम शामिल की हुई पोलें होती हैं इनके, ये वाला और यहाँ, कोई भी पीला या लाल या इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। फिर बाद में हरा वाला तार है दोस्तों, ये ग्राउंड का है हरा वाला तार। इसका दोनों का इनका और इनका ग्राउंड एक ही है, ये यहाँ लाइन दिख रही है, इसका ग्राउंड इधर लगा हुआ और इसका ग्राउंड ये है। अब इस ग्राउंड पे आपका वायर लगेगा हरा वाला। ये दोस्तों इधर आप देख लें होम थिएटर की वायरिंग, ये हरे वाला तार है ग्राउंड का, हरा वाला तार आप ग्राउंड पे, दोनों का एक ही ग्राउंड है, यहाँ पे लगा सकते हैं इस लाइन होकर के, यहाँ पे यहीं पर लगा सकते हैं और यहीं पर लगा सकते हैं, इन लाइन पे जाकर पे यहाँ पे भी जोड़ आप लगा सकते हैं। दोस्तों आप बल्ली वायर आसमाना वायर ये आसमाना और सफ़ेद वायर पास के होते हैं, जो एक यहाँ पे लगेंगे और एक यहाँ पे। सफ़ेद वाला वायर इधर लगा सकते हैं और आसमाना वाला वायर इधर, यानी बल्लू वाला इधर बीच में लगाएंगे। ये दोनों, ये बास वाला बता दिया आपको, ये वॉल्यूम वाले वायरिंग तो हो गई। फिर दोस्तों इस ये कार्ड 5 वोल्ट से चलता है, इसमें एक नीचे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7805, जैसे ये 7805 हैं, इनके 5 वोल्ट इधर साइड ट्रांजिस्टर के यहाँ पर 5 वोल्ट निकालते हैं, ये ग्राउंड होता है और इसमें 12 वोल्ट जाते हैं। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट का तार इधर वाला तार ये है, ये 5 वोल्ट नीचे इसके ये मॉस्फेट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ये 5 वोल्ट आ गया, ये अर्थ का है ग्राउंड, ये 5 वोल्ट से कार्ड चल रहा है। तो इसमें हम 12 वोल्ट इधर आएगा, यहाँ पर 12 वोल्ट का वायर ये है, ये काला वाला तार जो यहाँ से आ रहा है इधर से, ये काला वाला तार इधर लगेगा या इधर भी लगा सकते हैं और यहाँ भी एक ही लाइन है, ये यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी वायरिंग पूरी आपने बता दी है, और इसके वायर तो यहाँ लगे हुए ही हैं, यूएसबी के वायर, यूएसबी इनके केबल के वायर तो यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, आप इनको देख कर वीडियो को देख कर वायरिंग कर सकते हैं। ये आगे अगले वाले बटन होते हैं उनके वायरिंग है, स्विच वाले। ठीक है दोस्तों, अभी ये वाला यहाँ पर 3 वायर लगा सकते हैं, जो आपको होम थिएटर को मोबाइल से चलाने के लिए इधर ये ऑडियो आउट दिया हुआ है, वो ये ऑडियो इन में यहाँ पिनें लगती हैं, जिनके 3 वायर होते हैं, ये ग्राउंड का होता है बीच वाला और ये 2 साइडों वाले वायर होते हैं, यहाँ पर लगा करके इधर से निकाल लें, निकाल करके आप ये इधर से निकला हुआ है, ये देख लो ये काला वाला वायर है जो कि यहाँ पे लगेंगे बीच में, और साइडों में लगे हुए हैं वायर लाल और भूरा, ये वायर लाल और भूरा एक इधर लगेगा और
लाल वाला इधर लगेगा। आपको मोबाइल से चलाने के लिए, ठीक दोस्तों, ये वायर हैं तीन, ये बीच वाला वायर है जो ग्राउंड है, और ये स्पीकरों के वायर हैं। स्पीकरों का वायर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, स्पीकर का वायर, और यहाँ पर भी स्पीकर वायर लगा सकते हैं, ग्राउंड यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये रेजिस्टेंस में घूम करके स्पीकर की वायरिंग जाती है। अभी आईसी जल जाती है तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाती है, तो आप यहाँ पर लगा के देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।